Hello everyone, welcome to our YouTube channel Homoeopathy and here Samriddhi Sharma is here to guide you. और इस वीडियो में मैं आपसे नर रेपर्टरी को डिस्कस करूँगी कि नर रेपर्टरी किसने दी थी, इसमें कितनी दवाइयाँ थी और कितने चैप्टर थे और क्या तरीके से इस जो नर रेपर्टरी है उसमें ग्रेडिंग की गई थी और ये जो रेपर्टरी है ये किस पे बेस्ड है. तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले नर रेपर्टरी के बारे में ये है कि ये दी किसने थी. तो इट इज़ गिवन बाय डॉक्टर कैल्विन ब्रॉब्स्ट नर और 1896 में नर रेपर्टरी आई थी. 408 इसमें मेडिसिन थी और 48 चैप्टर्स थे. तो ये जो चार चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि दी किसने थी, कब दी थी, कितनी दवाइयाँ थी, कितने चैप्टर थे. ये तो हमें हर रेपर्टरी के याद रखने हैं. और ये जो नर रेपर्टरी है इसमें 408 मेडिसिन थी और 48 चैप्टर्स थे. 1896 में आई थी. देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी रेपर्टरी की ये है कि वो बेस्ड किस पे है. तो नर रेपर्टरी जो है वो बेस्ड है ऑन द रेपर्टरी टू हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स. यानी कि ये जो है हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स पे बेस्ड है. तो इसमें जो आप देखोगे अरेंजमेंट होगा वो भी इस तरीके से होगा. जो हेरिंग गाइडिंग सिम्टम था वैसा ही इसमें अरेंजमेंट है. बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द रेपर्टरी टू हेरिंग गाइडिंग सिम्टम. हेरिंग लॉ पता है अपने को, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, विद इन आउटवर्ड, मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट अपीयर विल डिसअपीयर लास्ट. तो यही इसमें फॉलो कर रखा है इस रेपर्टरी ने. नाउ इसके जो डिस्टिंक्शन है, मतलब कि क्या तरीके की ग्रेडिंग है, ये हमें पता होनी चाहिए किस तरीके से इसमें ग्रेड किया हुआ है. तो सबसे पहले हम देखें कि डबल थिक ब्लैक वर्टिकल लाइंस, सिंगल वर्टिकल थिक ब्लैक लाइन, टू ऑर्डिनरी वर्टिकल लाइन और परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन. तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर डबल थिक ब्लैक वर्टिकल लाइंस हैं तो वो इंडिकेट करती है कि जो सिम्टम है वो बार बार वेरीफाई हुआ है ना. अब हम देखें सिंगल थिक वर्टिकल ब्लैक लाइन है तो वो क्या इंडिकेट करती है, दैट इज़ सिम्टम वेरीफाइड बाय क्योर्स, है ना. पहला तो इंडिकेट कर रहा है कि जो डबल वाला है ब्लैक लाइन वो इंडिकेट कर रही है सिम्टम्स आर रिपीटेडली वेरीफाइड. दूसरा ये कर रहा है सिंगल वाला कि सिम्टम इज़ वेरीफाइड. और टू ऑर्डिनरी वर्टिकल लाइंस हैं वो इंडिकेट करती हैं कि सिम्टम जो है वो कन्फर्म्ड हुए हैं, फ्रीक्वेंटली कन्फर्म्ड हुए हैं, या फिर कह सकते हैं हम एक आध बार कन्फर्म्ड हुए हैं. तो जो सिंगल वर्टिकल थिक ब्लैक लाइन और डबल थिक ब्लैक वर्टिकल लाइंस हैं इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है टू ऑर्डिनरी वर्टिकल लाइन से, क्योंकि ये कभी कभी ही वेरीफाई हुए हैं, कभी कभी ही कन्फर्म्ड हुए हैं. अब हम देखते हैं लास्ट वाला जो डिस्टिंक्शन है वो है कि परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन, यानी कि ये इंडिकेट करता है ऑब्जर्वेशंस को, है ना. ऑब्जर्वेशंस को, टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट को इंडिकेट किया जाता है इससे कि सिर्फ हमने टॉक्सिकोलॉजी देखी है कि किस तरीके से जो एक्शन है वो हो रहा है किसी भी दवाई का. तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है. अब इसका प्लान एंड कंस्ट्रक्शन में हम देखें कि ये शुरू कहाँ से होती है. तो माइंड और डिस्पोजिशन जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से शुरू होती है और इसका लास्ट चैप्टर है ड्रग रिलेशनशिप, तो वहाँ जाकर ये ख़त्म हो जाती है. अब प्लान एंड कंस्ट्रक्शन में हमें देखें कि ऑर्गन वाइज क्लासिफिकेशन है इसका, तो उसमें ये ऑर्डर फॉलो होगा क्योंकि ये हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करती थी, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर पे बेस्ड थी. तो ऑर्गन वाइज चैप्टर भी जो है इस ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे, अबव डाउनवर्ड, विद इन आउटवर्ड, फर्स्ट अपीयर, डिसअपीयर लास्ट, फर्स्ट द पार्ट, देन द होल बॉडी या फंक्शनल सिम्टम, फिर ऑर्गेनिक कंडीशन. तो ये इस तरीके से अरेंज्ड थी, इस तरीके से इसका प्लान एंड कंस्ट्रक्शन था. सो दैट्स ऑल फॉर द नर रेपर्टरी. और नर रेपर्टरी जो है वो हमारी आती है कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी में. अगर आपको ये जानना है कि कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी क्या होती है, तो कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी सिंपली मतलब ये है कि रेपर्टरी जो है वो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट पे है. यानी कि जो ओरिजिनल सिम्टम है मटीरिया मेडिका के, उन्हीं कोई अरेंज कर रखा है, उनको मॉडिफाई नहीं किया गया है. तो कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी का मतलब है ये होता है कि दैट रेपर्टरी दैट आर बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ
ओरिजिनल सिम्टम्स ऑफ मटीरिया मेडिका, और उनको हमने रूब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बिना मॉडिफाई किए. तो दैट इज़ अ कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी. तो नर रेपर्टरी जो है कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी में आती है. सो दैट्स ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट द नर रेपर्टरी. आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नो होमोपैथी.